हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इससे लास्ट वाले वीडियो के अंदर। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ये बहुत सिंपल लॉ है बच्चों, बहुत सिंपलिसिटीज में समझ में आ जाएगा आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। वेन एवर टू एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर, ये कह रहा है जब भी दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, और दोनों क्या बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएं, अलग कंपाउंड बनाएं। देन डिफरेंट वेट एलिमेंट्स, तो उनमें जो डिफरेंट वेट एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनका वेट डिफरेंट होगा, अलग होगा, ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, उनका आपस में जो रेशियो होगा, आपस में जो अनुपात होगा वो हमेशा साधारण होगा, सिंपल होगा, होल नंबर में होगा। कैसे, इसको समझते हैं एग्जांपल से, ये सारा एग्जांपल समझ में आएगा बच्चों। जैसे कि आप देखें, मैं बोल रहा हूँ कि दो एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्ट करा, मैंने एलिमेंट मान लिया, एक तो एक्स मान लिया, एक वाई, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है इसका। दो एलिमेंट ले लिए मैंने, एक एलिमेंट ले लिया बच्चों एक्स, एक एलिमेंट ले लिया मैंने वाई, और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। एक्स, एक बार तो एक्स और वाई ने रिएक्ट करके क्या बनाया, एक्स वाई बनाया, और दूसरी बार एक्स और वाई ने ही रिएक्ट करा और क्या बनाया, एक्स वाई टू बनाया। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट एक्स और वाई है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, लेकिन अब आप कहेंगे ये तो वाई टू है, लेकिन एलिमेंट तो वाई है ना बच्चों, फ़र्क सिर्फ कितने का है, ये एटम फॉर्म में है अकेला है, और वाई टू किस में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो हैने का मतलब है दोनों वाई ही, ये एक्स है और ये दोनों वाई हैं, लेकिन दोनों ने कंपाउंड क्या बनाए, अलग अलग बनाए। एक्स प्लस वाई जब मिला तो क्या बनाया, एक्स वाई बनाया, और दूसरी बारी में एक्स प्लस वाई टू ने क्या बनाया, एक्स वाई टू बनाया। तो यही कहना चाह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एक बार उन्होंने एक्स वाई बनाया और एक बार एक्स वाई टू बनाया, तो इनके अंदर जो डिफरेंट वेट एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट जिनका वेट अलग अलग है, उनका आपस में रेशियो सिंपल रेशियो होगा। अब आप ये देखें बच्चों, इनके अंदर अलग अलग वेट किसका होगा, x, यह भी x है, यहाँ भी x है, मतलब ये तो दोनों सेम है, इन दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा। तो इनको नहीं लेना, हमें उनको लेना है जिनका वेट डिफरेंट है, डिफरेंट वेट एलिमेंट्स। इन दोनों में डिफरेंट कौन कौन से हैं, एक तो y और y2, क्योंकि ये y है और ये क्या है, y2, तो y और y2 का जब हम आपस में रेशो देखेंगे वो कैसा रेशो होगा बच्चों, सिंपल रेशो होगा। सिंपल का मतलब वो होल नंबर में होगा, वो कंप्लीट नंबर होगा, वो डेसिमल में नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। बस इतना सा ही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसको अब समझते हैं लाइव एग्जांपल से, वो हाइपोथेटिक एग्जांपल था बच्चों, अब इसको देखते हैं लाइव एग्जांपल से। जैसे कि हमने लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सी प्लस ओ सी ओ बनाया, इसको बोलते हैं बच्चों सी ओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर दोबारा से मैंने सी मतलब कार्बन लिया और दोबारा से मैंने ऑक्सीजन लिया, पहले भी ऑक्सीजन था लेकिन वो ओ की फॉर्म में था, फिर से ऑक्सीजन लिया लेकिन वो ओ टू की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट दोनों सेम है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन वो किसकी फॉर्म में था, वो ओ की फॉर्म में था, और ये किस फॉर्म में है, ओ टू की फॉर्म में है। तो इसने पहले क्या बनाया, सी ओ बनाया, लेकिन अब की बार सी प्लस ओ टू क्या बना, सी ओ टू बना। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है रेशियो उनका जो डिफरेंट हो। अब आप देख सकते हैं बच्चों रिएक्टेंट वाली साइड में देखें तो यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है, तो दोनों सेम हो गए। सेम वालों को हमें नहीं देखना, हमें किनको देखना है, डिफरेंट वालों को। डिफरेंट कौन से हैं, आप देखें डिफरेंट ये है, यहाँ पर O है और यहाँ पर O2 है, तो हमें रेशियो किसका देखना होगा बच्चों, हमें रेशियो देखना होगा O और O2 का। जैसे कि आप देखें तो हमने किसका रेशियो देखा, यहाँ पर O और O2 का रेशियो देखा, तो यहाँ पर O और O2 का जब हम रेशियो देखेंगे बच्चों, जब हम यहाँ पर O और O2 का रेशियो देखते हैं, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, और O2 का 16 टू ज़ा 32। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर O रेशियो O2, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग वालों को लेना है, डिफरेंट वेट एलिमेंट्स का रेशियो देखना है। तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया बच्चों, 16, एटॉमिक वेट की बात हो रही है, और यहाँ पर O2 है मतलब 16 टू ज़ा दो हैं, तो 16 टू ज़ा कितना हो गया, 32 हो गया। अब इनका आपस में रेशो निकाला, जब बच्चों मैंने जब इनका आपस में रेशो निकाला तो रेशो निकाल के कितना आया, रेशो निकाल के आया यहाँ पर
इसका 1 और इसका 2, 16 2 = 32, तो रेशियो कितना आया, 1:2 आ गया। कैसा रेशियो है बच्चों, सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो का मतलब होल नंबर में हो, वो कंप्लीट नंबर में हो, वो फ्रैक्शन में ना हो। तो यही बच्चों हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, तो जिन एलिमेंट्स अलग हैं, जिन एलिमेंट्स का वेट डिफरेंट है, उनका आपस में रेशो कैसा होगा, सिंपल रेशो होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और एक बार C+O2 ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। लेकिन यहाँ पर C और C दोनों सेम थे, इनको नहीं देखना, हमें किनको देखना है, जरूर डिफरेंट है। डिफरेंट कौन कौन से, O और O2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, O और O2 के बीच का रेशो देखा, 16:32, ये आया 1:2, सिंपल रेशो आया। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों हमारा, पूछे जाने वाला एग्जाम के अंदर, 11th क्लास के अंदर। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।